नमस्कार, हमार बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बिहार में सबसे ज्यादा पटना के लोग संक्रमित हुए। पटना के लोगों की सबसे ज्यादा इस बीमारी से मौत हुई। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचने के बाद पीएमसीएच पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर हॉस्पिटल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि कोरोना काल में वे जनता से दूर रहे, तो इस पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन होने के कारण प्रशासनिक अनुमति कहीं भी आने जाने की नहीं मिली। पटना में नहीं था, मगर दिल्ली से रोजाना पटना के हालात की मॉनिटरिंग करता था। अनुमति नहीं है ना, लॉकडाउन है, बात को समझिए आप। सर, पटना की जनता से बहुत आशा कर रही थी इस दौरान कोरोना काल में आपकी उपस्थिति रहेगी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं रोज दिल्ली से मॉनिटर करता था, पटना में आया यहाँ से मॉनिटर करता था। चार पांच बार सर बात किए हैं और इनके जो बाबू हैं उन्होंने भी। मैं रोज सहयोग करता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन क्या समझते हैं? मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आऊँ क्या, लेकिन जब लॉकडाउन है तो मुझे उसके नियमों का पालन करना है। मंत्री बना गए थे सर कोरोना को लेकर, क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ और कानून मंत्री भी हूँ। आज मैंने विशेष आग्रह किया कि मुझे बस तीन चार घंटे की अनुमति मिली है। मुझे मैं पटना सिटी गया और यहाँ आया कि एक बार मैं स्वयं जाऊं, रिपोर्ट दूं। इसलिए हम करते हैं और बिहार के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, आपको बताया जो रेमडेसिविर दवा की, उसमें मैं लगा रहता हूँ, आगे भी करूंगा, ये तुम्हारा फर्ज है। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, बोचिया, मुसहरी और कांटी मीनापुर प्रखंडों में चमकी बुखार से जो हालात बने थे, इन प्रखंडों में जिनके पक्के घर नहीं है उनको पक्का मकान देने का फैसला लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास योजना से 30,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है और उनके लिए पक्का मकान बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ उनको कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार इनको हर संभव सुविधा देने के लिए कृत संकल्प है और मुख्यमंत्री ने विभाग को इस संबंध में विशेष निर्देश दिया कि उस पर काम शुरू कर दिया गया है। मैं चमकी बुखार से उत्पन्न जो स्थिति हुई थी उसकी एक सर्वे कराई गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और ये पाया गया था कि ये तीनों प्रखंड में जिनके घर में चमकी बुखार से बच्चे बीमार पड़े हैं उसमें एस्बेस्टस का घर है। तो एस्बेस्टस के घर को हटा करके उनको पक्का मकान दिया जाए, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि उनको मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण के तहत जोड़ा जाए। 30,000 परिवार चिन्हित किए गए, उनको आवास की स्वीकृति दी गई और उनके आवास का निर्माण कार्य चल रहा है और मैं समझता हूँ कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उन्होंने बेहतर कार्य करके कोरोना के मामले में कमी लाने के प्रयासों को लेकर सीएम का धन्यवाद किया, लेकिन मांझी ने सरकार को नसीहत भी दी। मांझी ने कहा कि लॉकडाउन इसका समाधान नहीं, इसका समाधान सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र तक को सुव्यवस्थित करना होगा ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संकट से निपटा जा सके। आजोड़ी विधायक राकेश रोशन ने जीतनराम मांझी के ट्वीट को लेकर कहा कि मांझी सरकार की सच्चाई दिखा रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की घोटालेबाजी हुई है। बिहार के उप स्वास्थ्य केंद्रों में सिर्फ फाइलों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई थी। मांझी ने सरकार को समय रहते सचेत होने का रास्ता दिखाया है। मांझी जी का जो वक्तव्य है, सरकार को आईना उन्होंने दिखाया और आईना दिखाते हुए सरकार के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है और सरकार को अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँ। यास तूफान के चलते हुई बारिश के कारण दरभंगा के डीएमसीएच मेडिसिन विभाग, ओपीडी, आपातकालीन विभाग, शिशु रोग विभाग, अधीक्षक कार्यालय के बाहरी परिसर और वार्ड के अंदर पानी घुस गया है, जिसके चलते पूरा अस्पताल परिसर झील में तब्दील हो गया, जिसके चलते अस्पताल में तैनात चिकित्सा कर्मी,
मरीज के परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही औषधि विभाग में अपने परिजन का इलाज करवा रहे अरुण ने कहा कि बारिश के चलते यहाँ की स्थिति काफी खराब हो गई थी, जिसके चलते आने जाने से लेकर सभी काम में काफी परेशानी हो रही है। और गौरतलब है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वर्षों से जलजमाव की समस्या झेलता रहा। वही अस्पताल को जलजमाव से मुक्त कराने के लिए सरकारी स्तर पर कई योजनाएं भी बनाई गई, लेकिन योजनाओं के मूर्त रूप नहीं लेने की वजह से समस्या अभी तक बरकरार है, जिसके यहां पर इलाज कराने वाले मरीज और उनके परिजन इस जलजमाव का दंश झेलने को विवश है। अरे बात तो ये है, ये दरभंगा डीएमसी जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहां पर क्या फैसिलिटी है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आप लोग को ये मेडिसिन वार्ड जो है, फर्स्ट मेडिसिन वार्ड में इस तरह का परिस्थिति है, उतना जो परसेंट है इन्फेक्शन वाले लोग बोल रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना से पहले दूसरा इन्फेक्शन यहाँ प्रवेश कर जाएगा परसेंट को, और जो उनको गाइड कर रहा है वो और परसेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब ये समस्या हमेशा बरसात में हम लोग को झेलना ही पड़ता है, ड्यूटी जाना मजबूरी है, वो जाते ही है। सहरसा में पिछले 72 घंटे से हो रही बारिश के कारण सहरसा सदर अस्पताल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड जाने वाला रास्ता बारिश के पानी में पूरी तरह डूब गया है। अस्पताल परिसर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा, जिस वजह से भर्ती मरीजों के साथ साथ कोरोना जांच कराने के लिए आने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल के प्रवेश द्वार से लेकर इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड जाने वाले रास्ते के अलावा पूरा अस्पताल परिसर जलमग्न हो चुका है। सदर अस्पताल में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जहां हल्की बारिश में भी पानी भर जाता है, वहीं पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण अस्पताल परिसर के कई जगह पर घुटना भर पानी लग गया है। हालांकि इस मामले में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार ने कहा कि जल जमाव की समस्या को लेकर जिला पदाधिकारी से बात हुई है। उन्होंने उप विकास आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जल जमाव की समस्या का समाधान करें। इस तरह से जलमग्न है, आने जाने में सभी को दिक्कतें हो रहा है, इमरजेंसी भी पानी में पूरा डूबा हुआ है। तो फिर आप लोग किस तरह का परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है, हम लोग सुबह से आए थे इंटरव्यू के लिए, कुछ हुआ नहीं, फिर बाद में सुने कि कैंसिल हो गया है। इस संबंध में डीएम साहब से बात की है और डीएम साहब ने डीडीसी साहब को निर्देश दिया है कि जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से लेकर और जहाँ तक जल जमाव करता है वहाँ पर पेवर से या उसको ऐसा किया जाए कि लोगों को चलने में सुविधा नहीं। बेगूसराय में यास तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का नजारा उत्पन्न हो गया है। बछवाड़ा प्रखंड के सूरू आलमपुर गांव का यह नजारा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार बारिश से गांव में किस कदर जल जमा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इसके अलावा जिले भर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरौनी, मुजफ्फरपुर, NH-28 किनारे लगातार बारिश से कई फीट का गड्ढा हो गया है, जो कभी भी बड़े हादसा को निमंत्रण दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेगरा अनुमंडल परिसर में जहां कई ऑफिस है, यहां दूर दूर तक जल जमाव का नजारा है। और इसके साथ ही बरौनी जंक्शन परिसर में भी लगातार बारिश से जल जमाव हो गया है। कुल मिलाकर बेगूसराय में यास चक्रवर्ती तूफान का व्यापक असर रहा है। यास तूफान के कारण 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण दरभंगा शहर की सूरत बिगड़ गई है। शहर की सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी है, तो गली मोहल्ले में भी भीषण जलजमाव स्थिति बनी हुई है। पूरे शहर में सभी जगह एक जैसे हालात हैं। सड़कों और गली मोहल्ले में पानी लग जाने के कारण सड़कों पर 2 से ज्यादा बता दें कि जलजमाव लगा हुआ है। और शहर में जलजमाव होने से नगर निगम की तैयारी और उनके कामकाज पर न सिर्फ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि पानी से परेशान अब लोगों का गुस्सा नगर निगम के खिलाफ भी फूटने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण काफी परेशानी हो रही है। तूफान हो रही है, जिससे मोहल्ला में भारी जल जमाव एवं घर तक में पानी घुस गया है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मधुबनी शहर के नगर थाना क्षेत्र के भवारा मोहल्ले में स्थित मां सिटी पोखर
पर बना एक मकान फुट कर धराशायी हो गया। बताया जा रहा कि मकान महासेठी पोखर के किनारे पर बना है, जो कि 2-3 दशक पुराना है। पिछले 72 घंटों से यास तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश के कारण आगे का भाग का जमीन गीला होने की वजह से मकान 2 भाग में फटता चला गया और देखते ही देखते आधा भाग का अगला हिस्सा धराशायी जमीन पर बिखर गया। मकान में पड़े दरार से गृह स्वामी अशोक महासेठ व उनके परिजन पूरी तरह से सचेत थे। इससे पूर्व सभी घर से सामान से सुरक्षित बाहर निकल चुके थे, जिससे जानमाल की क्षति नहीं हुई। AIMIM प्रमुख असुद्दीन बता दें कि ओवैसी ने कोरोना के हालात को देखते हुए सीमांचल को 3 वेंटिलेटर के अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर समेत कई उपकरण दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में सभी 5 विधायकों ने पूर्णिया के सिविल सर्जन को 1 वेंटिलेटर, 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बड़ी मात्रा में ऑक्सीमीटर अन्य दवाएं सौंपी है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि अभी की स्थिति में इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिला के लोगों के लिए यह उपकरण भेजा है ताकि यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिल सके। प्राप्त हुई है जिसमें मुख्य रूप से वेंटिलेटर है, साथ साथ इसमें पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और जो कंसंट्रेटर है 10 लीटर और 5 लीटर वाला, ये प्राप्त हुआ है, जो कि ये अपने आप में एक सराहनीय सहायता का कदम है। अंचल के तीनों जिलों के लिए, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के लिए, इस कोरोना की संकट की घड़ी में उन्होंने मेडिकल में के हमारे काम करने वाले फ्रंट लाइनर्स को और फिर हमारे डॉक्टर्स की मदद के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छे किस्म का यहाँ पर वेंटिलेटर दिया है, जो कोरोना के पेशेंट को भी, हार्ट पेशेंट को भी, बच्चों के लिए भी काम आ सकता है। बक्सर के सिविल सर्जन जितेंद्र नाथ ने COVID-19 संक्रमण से मौत होने की सूचना मांगते हुए आम लोगों से अपील की है कि अगर परिवार में किसी भी सदस्य की मौत COVID-19 संक्रमण से हुई हो तो उसका सभी प्रमाण पत्र सिविल सर्जन कार्यालय बक्सर में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। वहीं बता दें कि जिले में मार्च से लेकर अब तक 123 लोगों की मौत सरकारी आंकड़े में हुई है। वहीं गैर सरकारी आंकड़ों में मौत को लेकर तरह तरह के आंकड़े अब तक सामने आ रहे हैं। सिविल सर्जन ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि दस्तावेज के साथ मृतकों की संख्या बताने को कहा है। तो ये बक्सर की तस्वीरें जहां कोरोना मौत के आंकड़े जुटाने में प्रशासन लगी हुई है। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना मौत के अगर कोरोना से मौत होती है तो उसके साथ जो दस्तावेज है उसको लेकर के आप उन्हें यथाशीघ्र सूचित करें, उनसे संपर्क करें। कैबुल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए कैमूर SP राकेश कुमार ने बताया कि मोहनिया के दादर में बीते 12 और 13 मई को 2 बाइक सवारों के साथ लूट की गई थी, जिस मामले में मोहनिया थाना में कांड दर्ज कर मोहनिया थाना प्रभारी और DIO की टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू किया। मोबाइल सर्विलांस के आधार पर गिरोह के सदस्यों का पर्दाफाश हुआ। तभी गठित टीम के सदस्यों द्वारा जानकारी मिली कि 28 मई को गिरोह के सदस्य द्वारा एक अन्य घटना को अंजाम देने के लिए मोहनिया के पसपीपुरा नहर के पास जुटे हुए हैं। तत्पश्चात टीम के सदस्यों द्वारा मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पसपीपुरा नहर के पास छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास एक देसी राइफल, एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, लूट की 2 मोटरसाइकिल सहित कई सामान जब्त हुआ। तो पटना से खबर, ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। सभी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए लोग सावधानी बरते। खबर बगह से, जहां यूपी सीमा क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में एक युवती का शव बरामद किया गया। परिजनों ने जहां पुराने विवाद में हत्या का आरोप लगाते हुए 5 लोगों को नामजद किया,
वहीं पुलिस सत्यास्थ से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहराई से जांच कर रही है और बताया जा रहा कि पुलिस को युवती के अपहरण की सूचना दी जाती और यूपी क्षेत्र में युवती का शव बरामद किया गया। वहीं मृतक की पहचान 18 वर्षीय संध्या कुमारी के रूप में हुई है। फिलहाल हत्या से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव में पूर्व के विवाद में तीन युवकों के द्वारा मिलकर एक युवक के साथ मारपीट की गई, फिर उसे कोई विषाक्त पदार्थ पिला दिया गया जिससे कि वह बेहोश हो गया और बाद में सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े युवक को देखकर ग्रामीणों के द्वारा उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसको इलाज किया जा रहा है। उद्योग ज्ञात का कि वो लोग जबरदस्ती पॉइजन खिला दिए, अनुसंधान में आगे जो बात आती है उसके अनुसार कार्रवाई होगा जो भी वैधानिक। क्या आपसे पूर्व रंजीत से पहले भी आपसे बोल रहे थे कि हम सूचना दिए हैं पुलिस को, थाने को सूचना दिए हैं, पहले से भी रंजीत थी कि ये घटना होगी? रंजीत थी तो अज्ञात आदमी का नाम दे रहे आदमी का नाम। यास तूफान का सर दिखने लगा वैशाली जिले के महनार हसनपुर दक्षिणी पंचायत के बलोलपुर दियारा इलाके में सैकड़ों एकड़ भूमि पर प्याज की खेती होती है जिसमें लगातार हुई बारिश के कारण जल जमा हो गया जिसे किसानों को भारी नुकसान हुआ। कुछ किसानों ने कहा कि उसने तकरीबन 50 एकड़ जमीन में प्याज की खेती कर्ज लेकर की थी, अगर नुकसान की भरपाई नहीं होती है तो मजबूरन आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता शायद नहीं बच पाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग और कृषि विभाग इसका आकलन कर अगर किसानों को सहायता देती है तो शायद इस इलाके में प्याज की खेती को और प्रोत्साहन मिलेगा। तूफान के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लोग खेती लमसम 50 एकड़ में किए हुए हैं, इसमें 50 लाख रुपया का क्षति है हम लोग के पास। बहुत जिधर तिधर से कर्जा लेकर के मैंने इस खेती में लगाए हुए थे, बैंक का मैंने KCC करा के ये भी लगाए हुए थे, अभी सब तो सधने वाला है नहीं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अंत में तगादा होगा बैंक का, पब्लिक का, आत्महत्या का। चक्रवाती तूफान यास के कारण नालंदा में भी इसका सीधा असर देखने को मिला। पिछले 72 घंटों में हो रही बारिश के वजह से तेज हवा पानी के साथ यानी किसानों को भारी क्षति हुई है। बता दें कि तेज हवा पानी के कारण प्याज सब्जी मकई समेत कई फसल बर्बाद हो गए और इतना नहीं प्याज की फसल को तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जो अब घर भी नहीं पहुंच पाएगा। रीता ने सभी प्रकार की सब्जी की फसल बर्बाद होने से महंगाई चरम सीमा पर हो सकती है। किसानों का कहना है कि खून पसीना बहाकर कड़ी धूप में मेहनत कर फसल को उपजाया लेकिन बेमौसम बारिश ने सारे अरमान पर पानी फेर दिया। 3 बीघा प्याज है जिसमें 5 कट्ठा प्याज कबड़ा है और बाकी सारा प्याज डूबा हुआ है। हम गरीब आदमी है, मुकर्रा खेत करते हैं, मेरा एगो भी प्याज घर नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा खेते में। हम गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे मुकर्रा? तो क्या प्याज सड़ जाएगा क्या? सारा प्याज सड़ गया, सड़ेगा क्या? 24 घंटा के बारिश में प्याज रहेगा, डूबा हुआ है सो प्याज रहेगा? हम लोग का सब फसल डूब गया, सब नुकसान है, सब फसल तो खत्म हो गया। प्याज गोभी बैंगन भिंडी बोड़ा करेला। कोविड के बढ़ते प्रभाव के कारण करीब 1 माह से बिहार से व्यवहार न्यायालय में न्यायिक कार्य नहीं हो रहे थे। यही कारण है कि किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो रही थी जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, मगर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद वर्चुअल मोड में जमानत पर सुनवाई का आदेश दिया गया है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। सोमवार से बिहार से भी व्यवहार न्यायालय में भी वर्चुअल मोड में जमानत की अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। एक्शन है कि नहीं, अर्जेंट मैटर में बेल भी है जो केवल जेल ही जाना ठीक नहीं है, इसलिए आज से हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं और सोमवार से हमारे यहाँ बेल पिटीशन होंगे और वर्चुअल मोड में उनकी सुनवाई होगी जिससे कि हमारे यहाँ जेलें जो हैं वो क्षमता से ज़्यादा काम कर रही हैं और जो छोटे छोटे मामलों में लोग जेल में हैं उनको निकालने की कोशिश की जाएगी और जो भी मामले हैं मेरिट पर सुन करके उनका निष्पादन कर।
नालंदा का सिलाव नगर पंचायत कार्यालय अब नए लुक में दिखने लगा। नगर पंचायत के कार्यालय की हर दीवार पर मधु पेंटिंग बनाई गई है मधुबनी की। पटना आर्ट कॉलेज के आधा दर्जन छात्र यहां पहुंचकर पेंटिंग बनाने में जुटे हैं। छात्रों ने बताया कि नालंदा महात्मा बुद्ध की धरती रही है और यही कारण है कि हम लोग यहाँ की दीवारों पर भगवान बुद्ध की तरह तरह की पेंटिंग बना रहे हैं जो काफी आकर्षक है। या पेंटिंग हॉल से लेकर अधिकारी के चैम्बर में भी पेंटिंग बनाई गई है। पेंटिंग बना रहे जो बिहार का फेमस पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, वही यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया है। मधुबनी पेंटिंग है जो कि मिथिला का है, ये हर जगह बन रहा है। अच्छा। और यहाँ नीचे भी बना है और ऊपर में भी बना हुआ है। अच्छा, किस किस चीज का इसमें दिखलाया जाता है पेंटिंग के माध्यम से? इसमें हर चीज का दिखा सकते हैं, लेकिन वो सोच होना चाहिए कि क्या हम दे रहे हैं। अच्छा। जैसे ये चीज है गौतम बुद्ध का और उसके साथ बरगद का पेड़ का जैसे होता है ना, वो चीज इसमें दिया। नालंदा से खबर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। नालंदा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी हुई। नालंदा रघुबिघा गांव का मामला बताया जा रहा। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं फोन पे। राजकुमार, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, किस जगह से इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए करिश्मा, ये पूरा मामला है कि जिस वक्त लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग दौड़ में बचे हुए थे, उसी दौरान एक नेटवर्क चलाया जा रहा था और लोगों के फोन पर एक मैसेज दिया जाता था कि अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है तो हमसे संपर्क करें। जैसे ही वो व्यक्ति संपर्क करता था, उसके बाद उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर मोटी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया जाता था और उसके बाद मोबाइल का नंबर स्विच ऑफ कर दिया जाता था, जिसके कारण ना तो पीड़ित परिवार को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल पाता था और ना ही पैसे की रिकवरी होती थी। ऐसा ही मामला दिल्ली के कुछ लोगों के साथ हुआ था। यही कारण था कि आज दिल्ली की पुलिस पहुंची थी नालंदा थाना, जहां नालंदा थाना के सहयोग से रघुबिघा गांव में छापेमारी की गई, जहां से दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा के थाना अध्यक्ष सत्यरंजन का कहना था कि रघुबिघा गांव से पहले भी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अक्सर ये फ्रॉडगिरी का मामला इसी गांव से किया जाता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजकुमार। बड़े अगली खबर की ओर, समस्तीपुर में हुए एक सड़क हादसे में गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड अंचलाधिकारी राकेश कुमार दुबे की मौत हो गई, जबकि अन्य दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा अंचलाधिकारी कार से भागलपुर से गोपालगंज जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। वही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रक्सौल में कार की टक्कर ने कोहराम मचा दिया और एक ही कार दुर्घटना में रामगढ़वा बाजार के तीन युवकों की मौत हो गई। बता दें कि छह लोग सवार होकर रक्सौल जा रहे थे, तभी तिलावे पुल के पास के टैंकर से टक्कर होने के बाद सड़क किनारे लोहे के डिवाइडर से कार टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि एक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तीन युवक जो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें पटना रेफर किया गया। रामगढ़वा पुलिस जांच में जुटी है। दानापुर के फुलवारी शरीफ के गौनपुरा गांव में जंगली कुत्तों के झुंड ने बाड़े में बंद भेड़ों के झुंड पर हमला बोल दिया। इस हमले में कुत्तों ने 50 से अधिक भेड़ों को काट खाया, जिसके कारण दर्जनों भेड़ों की मौत हो गई। भेड़ों को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर भेड़ों के मालिक और गांव वालों ने कुत्तों को खदेड़ दिया। भेड़ों के मालिक सुकू भगत ने बताया कि जंगली कुत्तों का एक झुंड उनके भेड़ियों के झुंड पर हमला कर दिया और काटना शुरू कर दिया। इस मामले में कई भेड़ घायल भी हो गए। घटना की सूचना फुलवारी शरीफ थाने को दी गई है। फुलवारी शरीफ थाने के पदाधिकारी दल बल के साथ गनपुरा गांव पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। तो ये दानापुर की तस्वीरें, जहां बाड़े में बंद भेड़ पर कुत्तों की झुंड ने हमला कर दिया। कई भेड़ों को कुत्तों ने हमला कर उन्हें काट दिया है और काट खाया, और जो जंगलों कुत्तों का आतंक देखा गया दानापुर में। तो दानापुर में जंगली कुत्तों को आतंक देखा गया। वहीं बता दें कि बाड़े में बंद भेड़ों पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें कई भेड़ों को काट दिया, यानी काट दिया है, और कई भेड़ों की भी मौत भी हो गई है उस मौके पर।
इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।